Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Yunani Connect. Myself Sayyida Sama Mohini. So today we are going to talk about Yunani first year syllabus. कि उसके अंदर कौन कौन से subjects होते हैं हम उनके नाम जानेंगे वो कितने marks के होते हैं कौन कौन सी languages में हम उन्हें लिख सकते हैं number of papers कितने होते हैं और best books कौन सी हैं उसके लिए. सबसे पहले बात करते हैं अरबी मंतिक व फलसफा. अरबी मंतिक व फलसफा का एक थ्योरी का पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है. इसे हम उर्दू में भी लिखते हैं और अरबिक में भी लिखते हैं. अरबिक में हमें क्या पढ़ना होता है, बेसिकली अरबिक में हमें पढ़ना होता है जैसे हम इंग्लिश के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ते थे ग्रामर इंग्लिश की, जैसे नाउन प्रोनाउन वर्ब, ये सब इसके अंदर हमें बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं हमारे सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली. इसके अलावा एक पोर्शन होता है जिसके अंदर हमें जो पर्टिकुलर एनिमल्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इनके जो नाम होते हैं इनको उर्दू से अरबी या अरबी से उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना होता है. उसके अलावा एक पोर्शन होता है जिसके अंदर हमें एक पूरा सेंटेंस दिया जाता है और कहा जाता है इसे उर्दू से अरबी में कन्वर्ट करो या अरबी से उर्दू में कन्वर्ट करो. तो ये इसके एक अरबी की बात हो गई. इसके अलावा एक पोर्शन होता है मंतिक व फलसफा. अगर किसी ने सिलेबस देखा हो तो एक्चुअली में इसके चार पार्ट्स होते हैं. मंतिक व फलसफा के अलावा इसके दो पार्ट्स और होते हैं जिसका नाम है हयात और इब्तिदाई इल्मुन नफ्स. मंतिक का मतलब क्या होता है, मंतिक मतलब होता है लॉजिक और फलसफा मतलब फिलोसफी और हयात का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी मतलब चांद सितारों की जो स्टडी होती है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. और जो इल्मे इब्तिदाई इल्मुन नफ्स होता है एलिमेंट्री साइकोलॉजी को कहते हैं. उसके अंदर हम साइकोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और ना डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड मेडिसिन, इंट्रोडक्शन ऑफ फीलिंग, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं. ठीक है, ये बहुत इजी पोर्शन होता है. अगर हम बुक्स की बात की जाए अगर हम बुक्स की बात करें अरबिक के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, अगर अरबी के जो पोर्शन है जिसमें हमें उसकी बेसिक्स पढ़नी होती है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगी वो लगी अरबी का मुअल्लिम. अरबी का मुअल्लिम पहली बुक है जो मुझे सबसे अच्छी लगी. ये दो वॉल्यूम के अंदर आती है, अरबी का मुअल्लिम पार्ट 1 एंड पार्ट 2. इसके अंदर हमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, कलमा क्या होता है, कलाम क्या होता है. वैसे तो पार्ट 1 इज़ मोर देन इनफ, लेकिन अगर कुछ सवालात ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं है तो इसलिए अरबी का मुअल्लिम पार्ट 2 भी ज़रूरी है. वैसे तो ये 4 वॉल्यूम में आती है लेकिन इसके 2 वॉल्यूम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी हैं. उसके बाद अगर हम उस पोर्शन की बात करें जहाँ पर अरबी टू उर्दू और उर्दू टू अरबिक कन्वर्ट करना होता है उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है मिनहाजुल अरबिया. मिनहाजुल अरबिया के अंदर बहुत ही आसानी के साथ दे रखा है कि कैसे हम उर्दू को अरबी में कन्वर्ट करें, अरबी को उर्दू में कन्वर्ट करें. अब ये जो चीज़ है ये हम खुद से नहीं पढ़ सकते, इसके लिए हमें एक टीचर चाहिए. वो टीचर ही हमें बता सकता है कि इसका क्या मतलब है, किस चीज़ का क्या मतलब है. अरबी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अरबी पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे यूनानी का बेस है. अरबी हमारे यूनानी का बेस है इसलिए हमें अरबी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उर्दू में हमारी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए. इसके भी 2 वॉल्यूम्स आते हैं, मिनहाजुल अरबिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अगर मंतिक और फलसफा वाले पोर्शन की बात की जाए तो मंतिक व फलसफा जो कि एक्चुअली में 4 पोर्शन हैं उसके लिए सिर्फ एक किताब काफ़ी है, मंतिक व फलसफा हकीम तस्खीर अहमद की. ये मैंने ये बुक पढ़ी थी, इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है. इसके अंदर एक फॉन्ट की मुझे प्रॉब्लम लगी, हेडिंग्स थोड़ी सी सही नहीं दे रखी थी, तो मैंने क्या करा था सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पॉइंट्स में बांट लिया था. जब मैंने इसको पढ़ना शुरू करा तो मैंने इसे पॉइंट्स में बांट लिया. जैसे ये सेकंड, अगर आपने देखा हो सिलेबस तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक था सेकंड पॉइंट, फिर फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक. फिर मैंने इनके चार्ट्स बनाए थे अलग अलग क्योंकि इसको याद करना बहुत मुश्किल हो रहा था शुरू शुरू के अंदर. और इसके ये बहुत कलरफुल नहीं है ये बुक, ये बहुत ज़्यादा इसके फॉन्ट अच्छे तो हैं, समझ में तो आ रहे हैं, आसान भी है, लेकिन वही बात है कि एक टीचर की ज़रूरत है इसके लिए भी.
नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल्लियात उमूरे तबैया। कुल्लियात उमूरे तबैया ये हमारे यूनानी का बेस है। अगर हमने सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे चलकर हमें बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स जितने भी यूनानी के सब्जेक्ट्स हैं वो सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये बेसिक्स है। तो इसका पेपर जो होता है, इसके टोटल दो पेपर होते हैं, एक थ्योरी का पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है। दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं, 100 थ्योरी एंड 100 प्रैक्टिकल। इसे हम उर्दू में लिखते हैं, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ ये इंग्लिश में भी लिखा जाता है। इसके बाद अगर हम बुक की बात करी जाए तो इसके लिए जो बेस्ट बुक मैंने पढ़ी थी, बेस्ट तो नहीं कहूँगी लेकिन इसके अंदर मोस्ट ऑफ दी सिलेबस कवर्ड है, वो है कुल्लियात उमूरे तबैया की, जो कि हकीम तस्खीर अहमद ने ही लिखी है। बहुत सी बुक्स आती हैं लेकिन मुझे ये बुक बहुत आसान लगी और हमारे कॉलेज में यही सबसे ज़्यादा प्रिफर की जाती थी, तो मैंने यही वाली बुक से पढ़ा था। इसके अलावा और भी बुक्स आती हैं, उसूल तिब की किताब के अंदर सब कुछ दे रखा है, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक का सब कुछ दे रखा है, तो आप चाहें तो उसूल तिब की वो किताब भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे पोर्शन ऐसा है जो इस बुक के अंदर कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पेपर की, तशरीहुल बदन। तशरीहुल बदन मतलब एनाटमी। एनाटमी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ह्यूमन की बेसिक एनाटमी, एनाटमी मतलब उसको हम जब डिसेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब पढ़ते हैं। उनका फंक्शन नहीं, उनका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। फंक्शन जो हम पढ़ते हैं वो फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी। तो जो एनाटमी होती है उसके अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं, इसके जो पेपर होते हैं वो तीन पेपर होते हैं, दो तो थ्योरी के पेपर होते हैं और एक होता है प्रैक्टिकल का पेपर। दोनों थ्योरी के पेपर्स 100 100 मार्क्स के होते हैं और प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का होता है। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो आई प्रिफर इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर अगर आप लिखेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। हमारे कॉलेज के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश में लिखने पर ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में उर्दू में लिखने पर अच्छे मार्क्स दिए जाएं, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो जो हम बात करते हैं कि इसके फर्स्ट पेपर के अंदर क्या क्या कवर होता है, फर्स्ट पेपर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसका इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी पढ़नी होती है, उसके बाद उसका हेड, नेक, नर्वस सिस्टम और थॉरेक्स और अपर लिम, ये हमें फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ना होता है। उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है उसके अंदर हमें एब्डोमन, पेल्विस एंड पेरिनियम एंड लोअर लिम के बारे में पढ़ना होता है। ये एक्चुअली मैं इतना कम दे रखा है इसके अंदर, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम होता है, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो सिलेबस तो लेके बैठते नहीं है, वो तो बस बुक खोलते हैं और एग्ज़ाम का क्वेश्चन लिख देते हैं। तो हमें हर चीज़ पढ़नी ज़रूरी है इस सब्जेक्ट के अंदर, स्पेशली एनाटमी के अंदर हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो बेस्ट बुक है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो जनरल एनाटमी के लिए सारी ही एनाटमी के लिए वैसे बीडी चौरसिया है, ये इसका जीरोथ एडिशन है। इसके जीरोथ एडिशन में सभी जो सिस्टम्स हैं उनकी बेसिक एनाटमी दे रखी है इस बुक के अंदर, और ये बुक बहुत ही अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं और कौन सी है, ये इसका वॉल्यूम 1 है एनाटमी का, वॉल्यूम 1 बीडी चौरसिया। ये इसके बाद इसका वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4, ये इसके अंदर हमें पढ़ना होता है। तो जो पेपर फर्स्ट होता है उसके अंदर हमें एनाटमी का जीरोथ वॉल्यूम, यानी इसकी जो बेसिक एनाटमी है वो, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी, अपर लिम एंड थोरेक्स, और थर्ड वॉल्यूम के अंदर क्या है, हेड एंड नेक, और उसके बाद ब्रेन एंड न्यूरो एनाटमी। ये जो होता है ये हमें फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ना होता है, और सेकंड पेपर के लिए हमें पढ़ना होता है एनाटमी का सेकंड वॉल्यूम, बीडी चौरसिया का सेकंड वॉल्यूम, ये हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा अगर किसी को एनाटमी के जो पिक्चर्स हैं वो देखने का इंटरेस्ट हो, बोन्स का और बाकी चीज़ों के अंदर
जो देखने का इंटरेस्ट हो, क्योंकि हमारे पास कैडेवर तो होता नहीं है ऑर्गन्स के लिए, हमें नॉर्मली खाली बोन्स ही प्रोवाइडेड हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो बुक है ये बहुत, इसके अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है, ये बुक है मैकमिनीज कलर एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, पी एच एब्राहम, एस सी मार्क जूनियर और आर टी हुचिंग्स की। तो ये बुक आप चाहें तो ले सकते हैं, या तो फिर ये लाइब्रेरी में इजीली अवेलेबल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पेपर की, मुनाफ़ेउल आज़ा यानी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। फिजियोलॉजी के अंदर हमें क्या बोलते हैं, सारे सिस्टम्स जो होते हैं या फिर जनरल फिजियोलॉजी जो होती है वो पढ़नी होती है। उसके टोटल 3 पेपर होते हैं, 2 तो थ्योरी के पेपर होते हैं और 1 प्रैक्टिकल का पेपर। सेम पैटर्न एज एनाटॉमी, 100 मार्क्स के 2 थ्योरी के पेपर और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर। और जो इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, बट आई प्रिफर इंग्लिश इन फॉर मॉडर्न सब्जेक्ट्स, और मुझे लगता है कि हमें मॉडर्न सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बुक्स की बात करूं तो मैं जो बुक, मुझे लगता है गाइटन एंड हॉल इज द बेस्ट बुक फॉर दिस, और इसके अलावा सीसी चटर्जी, ये जो है ये बेस्ट बुक्स हैं इसके लिए। गाइटन एंड हॉल मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने पढ़ी थी, और चैटर्जी भी मैंने पढ़ी थी। वैसे तो बेसिकली हमारे कॉलेज में चैटर्जी ही प्रिफर की जाती है, लेकिन मैंने ये हॉल्स, गाइटन एंड हॉल्स भी पढ़ी थी। तो आप ये दोनों बुक्स देख सकते हैं। तो अगर पेपर की बात की जाए कि फर्स्ट पेपर में क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, जो थ्योरी का पेपर होता है उसके अंदर हमें साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी पढ़नी होती है। साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल्स, एंड हिस्टोलॉजी पढ़नी होती है। उसके अलावा ब्लड एंड हीमोपोइटिक सिस्टम, यानी हीमोपोइटिक सिस्टम यानी ब्लड ही, हीमो मतलब ब्लड। उसके बाद के कौन कौन से ब्लड के अंदर कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उनकी क्या क्या, उनके अंदर कितना नंबर होता है हमारी बॉडी में, नंबर ऑफ सेल्स वगैरह, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना होता है विटामिन्स, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फैटिक सिस्टम। ये 6 जो सिस्टम हैं ये हमें पढ़ने होते हैं फिजियोलॉजी के फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड पेपर के लिए हमें पढ़ना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, एंडोक्राइन सिस्टम और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमें पढ़ना होता है। तो ये हमारा सिलेबस था फर्स्ट ईयर का। तो टोटल अगर हम, हमारी बात की जाए कि हमारा कितने मार्क्स का पेपर होता है टोटल मिलाकर, ठीक है, तो ये हो जाता है टोटल 900 मार्क्स के हमारे पेपर हो जाते हैं। अच्छा मुनाफ़ेउल आज़ा और तशरीहुल बदन के अंदर हमें एक बेनिफिट है कि हमें दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर ये जो इसके थ्योरी के पेपर है दोनों में मिलाकर हमें 100 मार्क्स लाने होते हैं। यानी आप मान लीजिए आपके 60 मार्क्स आए इसके अंदर और 40 मार्क्स इसके अंदर आए तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके 100 से कम आए, मान लीजिए आपके 70 मार्क्स इसमें आए और 20 मार्क्स इसमें आए, तो आप पास नहीं होंगे। तो इसलिए हमें, ये हमारे लिए एक बेनिफिट भी है और ये ड्रॉबैक भी है। वैसे 50 स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील। उसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स में, अरबी में और उमूर में, हमें थ्योरी में 50 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 900 मार्क्स का होता है टोटल नंबर ऑफ पेपर। अगर थ्योरी की बात की जाए तो थ्योरी के टोटल 6 पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल के टोटल 3 पेपर्स होते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं हमसे फॉर नोट्स। और उसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।